हेलो दोस्तों, राम राम सभी। कैसे उम्मीद कर दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, शिवानी कुमारी के जो है जीजा जी बहुत ज़्यादा बीमार है। यही जीजा जी जिनके लिए उसने घर बना करके दिया है, वो कुछ भी नहीं करते हैं और बस बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, जिससे उनके सारे किडनी फेफड़े सब खराब हो चुके हैं। पहले ही जवाब दे चुके थे डॉक्टर साहब और कि भाई पीनी छोड़ दो ना तो तुम बचने के नहीं, लेकिन उस बंदे ने पीनी नहीं छोड़ी है और आज भी वो भर्ती है। तो सारा घर बहुत जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, शिवानी बहुत ज़्यादा अपसेट है। और उनकी जो बेटी है ईशा है, जिन्होंने शिवानी जब बिग बॉस में गई थी तो उस लड़की ने जो है ब्लॉग बनाए थे, ईशा ईशा कुमारी ऑफिशियल के नाम से उनका चैनल है। काफ़ी अच्छा और बहुत मेहनती लड़की है, मात्र 15-16 साल की लड़की है और उसने पूरी घर की जिम्मेदारी संभाली शिवानी के जाने के बाद, सारे चैनल हैंडल किए और इसी छोटी सी उम्र में। तो जो कहते हैं ना, बेटियों को तो पहले ही भगवान इतनी समझदारी दे देता है, तो बेटी पूरा घर संभाल रही है इस टाइम पर शिवानी को देख के देख के, क्योंकि शिवानी के बराबर की होती जा रही है, तो शिवानी के नक्शे कदम पे चलती है। और अच्छी बात है क्योंकि कहते हैं ना, जो बड़ा बच्चा बड़ा करता है ना, छोटा भी उसी पे चलता रहता है। तो शिवानी अगर बड़ा घर का गलत करा होगा तो छोटा भी गलत करता चलेगा, क्योंकि उससे सामने वो दिख रहा है तो वो ही सीखेगा। तो शिवानी अच्छा कर रही है तो ईशा भी बहुत अच्छा कर रही है। ईशा का भाई जो है वो भी चैनल बना रखा है, उसका भी चल रहा है चैनल, अधिकांश सभी के बने हुए हैं। लेकिन भाई ईशा बहुत मेहनत करती है, आप देख सकते हो उसकी जो वीडियो है मिलियंस में जाती है। और आपने देखा होगा इतने सारे इंटरव्यू दिए थे, बहुत जो जितने भी इंटरव्यू में आए पहले सॉरी इंटरव्यू में हमेशा ईशा ने ही इंटरव्यू दिए हैं। जब बिग बॉस OTT में गई थी तो कंटिन्यू उसी ने चीज संभाली थी, और ब्लॉग भी अजय शिवानी तो दूसरे तीसरे दिन ब्लॉग डालती है, ईशा ने हमेशा डेली डेली ब्लॉग डालती थी। और उसने चैनल भी तुम देख लेना, चैनल कहाँ से कहाँ लगा रखा था। तो मेहनती है बहुत ही ज्यादा, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन अफसोस ये है कि फादर जो है, फादर इस तरह का करने के लिए भैया मानने से प्यार नहीं, जिससे दादू की लत लग जाती है। वो कहते हैं ना, लत जिसकी जिस चीज़ की भी लग जाती है ना तो वो बुरी होती है, लत किसी भी चीज़ की नहीं लगानी चाहिए। आज इस वजह से वो एडमिट है शिवानी कल कानपुर, शिवानी तो कानपुर में है ही, और दीदी जो है सब कानपुर में गई हुई थी उसकी, और वहीं पर शिवानी पर पता लेने के लिए पहुंची थी। वो उधर जो है अभिषेक की मम्मी आई हुई है, क्योंकि जिस टाइम अभिषेक ने गाड़ी ली थी अभिषेक ने और शिवानी ने, तो उस टाइम पे जो है शिवानी की मम्मी आई हुई थी, गोरे लाल आए हुए थे, लेकिन जो है अभिषेक की मम्मी नहीं आई थी, क्योंकि अभिषेक की मम्मी जो थी उस टाइम पे मुंबई में थी। इस वजह से शिवानी जो अभिषेक की मम्मी है वो अब आई है। गाड़ी जो है आप लोग जो कह रहे थे कि गाड़ी शिवानी ने ली अभिषेक ने ली, कुछ लोग कह रहे थे उसने गाड़ी ले ली, उसने गरीबों को पैसा नहीं लगा ऐसा तो बोला था। भाई पहली बात तो गरीबों से वो पैसा मिला नहीं है बिग बॉस का, और रही बात जब वो लगाएगी एक चीज में बताएंगी, क्योंकि अगर बताएगी तो आप लोगों को वो इशू बनाओगे आप कि हर चीज दिखा के करती है करती है। कभी कभी ऐसा होता है दान जब करना होता है ना, तो अगर हम राइट से करें तो लेफ्ट वालों को पता भी नहीं होना चाहिए दान, तो वो लगता है और कहने के अच्छा भाई वीडियो बना बना कर दान कर लो। लेकिन अभी शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला। बाकी तो जो है खर्चा पानी तो सब आस पड़ोस वालों को करती है, हमेशा पहले से करती आई है, भाई बिग बॉस से पहले भी कर रही थी वो, ऐसे नहीं बिग बॉस के बाद भी करेगी, उसने कमिटमेंट करी है तो पूरी भी करेगी, ऐसी बात नहीं है। रही बात गाड़ी जो है अभिषेक की थी, और अभिषेक इसमें अभी इसकी शिवानी की मम्मी इसलिए गई थी क्योंकि उनकी मम्मी नहीं पहुंच पाई थी, तो उनका फर्ज बनता था उनको जाने का। तो अभी फिलहाल अभिषेक की मम्मी भी आई हुई है उनके कानपुर वाले घर पे, और शिवानी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मम्मी चलो इतने काफ़ी समय बाद आई है, क्योंकि मम्मी तो गाँव में ही रहती है, उनके पापा जब एक्सपायर रहते थे तो शिवानी वहाँ पर गई थी अभिषेक भाई के, और अभिषेक का नेचर आपको पता ही है कि कितना अच्छा है। तो शिवानी थोड़ा सा अपसेट इसी वजह से चल रही है। शिवानी जो भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा डाइट पर चल रही है, और थोड़ी तबीयत वबीयत भी उसकी ख़राब है, डाइट पे इसलिए चल रही है क्योंकि उसकी मूवी जल्द आने वाली है और 1 महीना बचा है, तो इसलिए वो वेट कम करने में लगी हुई है। तो ज़्यादातर वो सलाद फल वगैरह ही खाती है, रोटी उसने छोड़ रखी है, थोड़ा कम ही खाती है इस वजह से, क्योंकि उसको 5 किलो वजन कम करना है। 5 किलो वजन की वजह से वो वर्कआउट भी कर रही है और अपना डाइट को भी फॉलो कर रही है, क्योंकि इंसान कोई भी करता है तो आसानी से चीज़ नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सब इंसान ना ऊंचाइयों को देख लेता है लेकिन उसका स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि उसने कितनी मेहनत करी है। और हम तो यही चाहेंगे शिवानी जिस तरह से मेहनत कर रही है, शिवानी की वही वीडियो जो जब मूवी आए तो भी मूवी जो है धमाल मचा दे, क्योंकि उसे रोल मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा। शिवानी आपने देखा होगा कि अभी जैसे कृष्णा राधा कृष्ण जी बनी थी, तो उस पर भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा विवाद उठाया है जो कि उचित नहीं बनता है। आपको पता है पहले से ही आपने देखा होगा कि रामायण में और महाभारत में प्रोग्राम ये होते आए हैं, रामलीला वगैरह होती आई है गाँव में शहरों में हर जगह, तो उसमें क्या है उसका जो रूप धारण करते हैं इंसानी तो करता है, उसके जरिए से तो चीज़ों को समझा जाता है, झांके निकलती हैं हर उसमें कांवड़िया में देखो तो इतने लोग करोड़ों लोग ये इतने लोग जो झांके वगैरह निकालते हैं सब कुछ, और
उनका भी तो है, अब किसी और पे तो विवाद उठाया नहीं, शिवानी को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया उस पर भी कि भगवान का रूप ले रही है, ये है इसको समा वो नहीं, अकल नहीं है। तो मतलब उसको शिवानी को एक तुम लोगों ने ना एक टारगेट करके रख लिया कि हाँ इसको टारगेट करना है। एक बार बताइए राधा कृष्ण जी कौन नहीं बना, सभी ने वीडियो बनाई है, अरमान मलिक के घर में भी वीडियो बनी है, भैया यशोदा बाई भी बनी हुई थी, तो सारा जो तो है शिवानी के ऊपर ही क्यों आता है। सेलिब्रिटी और लोग भी हैं, और लोग भी इस चीज को दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हर अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से उसी रूप में। तो आप जो बस शिवानी की टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार, इससे पता चलता है कि शिवानी के दुश्मन भी काफी हैं। और रही बात जो कहते हैं ना, नाम जो कुत्ते भी उसके पीछे लगेंगे, जिसका कुछ नाम होगा ना, तो शिवानी का नाम चल रहा है, तो इसलिए सब लोग शिवानी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। पर कोई बात नहीं, उसे अपने काम पे ध्यान देना है, और भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे फिलहाल कि इसके जीजा जी जो है भाई ठीक हो जाए, क्योंकि है बच्चे हैं, कोई पालना मामूली बात नहीं है, सबका खर्चा शिवानी करती है इसमें, बहुत बड़ा दिल है इस मामले में। और जो शिवानी का जो पुराना वाला घर है वो इनके दीदी के नाम ही रखा है शिवानी ने, ताकि इनके बच्चे अच्छे से पल जाए और इनके परवरिश जो है अच्छे से हो जाए। तो शिवानी परवरिश जो कर वही बहुत अच्छे से कर रही है, सारा टोटल खर्चा शिवानी करती है इनका, क्योंकि वो जो बहनें हैं इसकी वो तो सही घर में जा रखी हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।